दोस्तों, इस समय पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। जहां देखो वहां जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही खास पर्व होता है। वह इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में आयोजन किए जाते हैं और रात 12 बजे तक सभी मंदिर खुले रहते हैं। रात को कृष्ण जन्म के समय आरती की जाती है और कृष्ण को नाना प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात बहुत ही महत्वपूर्ण और खास मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस रात किए हुए सभी उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही फलदायी भी साबित होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी और आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में जिनमें से कोई एक उपाय आप कृष्ण जन्माष्टमी को करते हैं तो आपके पूरे दिन अच्छे दिन में बदल जाएंगे और आपके सारे काम बनने लगेंगे, साथ ही साथ धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम को तुलसी का पूजन करें। शाम के समय तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे के सामने ही बैठकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको दो बार पूरी माला फेर कर करनी है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और घर में समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शुभ दिन आप गरीब को फल और अनाज दान करें। आप चाहें तो किसी धार्मिक जगह पर जाकर, मंदिर और मठ में जाकर किसी गरीब लोग को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ज्योतिष से पूछ कर भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप का अभिषेक करें। अभिषेक को एक शंख में दूध डालकर अच्छी तरह से करें। अभिषेक करने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान कृष्ण और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपके घर में जो धन की कमी है, आपके जीवन में जो धन की कमी है वो दूर हो जाएगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपको हर जगह सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सिक्के का उपाय जो है वो बहुत ही अहम उपाय है, तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय पूजा स्थल पर कुछ सिक्के रखें और उसके बाद पूजा शुरू करें। जब पूजा खत्म हो जाए तो उस सिक्के को उठाकर अपने बटुए में रख लें और हमेशा रखे रहें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है और आपका घर धन धान्य से भर जाता है। जीवन में सब कुछ, आपके बुरा जो भी है वो सब कुछ अच्छे में बदल जाता है और बुरा समय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें।